लोग अगर हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप सबको पता होगा कि हम लोग सिंगापुर शिफ्ट हो गए हैं और दूसरे देश में आकर अपने देश को भूल जाएं ऐसा नहीं होता है। सभी को अपने देश से प्यार होता है, लेकिन हम अपने देश में अपने शहर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें दूसरी जगह नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ जो वहाँ थी यहाँ नहीं है या यहाँ हैं वहाँ नहीं थी। तो इस वीडियो को सब लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे, मैं जानती हूँ। कुछ कहेंगे क्या ये चीज़ें मैं मिस कर रही हूँ या वो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी तो मैं यहाँ पर अच्छा महसूस कर रही हूँ कि वो चीज़ें वहाँ की जो हैं यहाँ नहीं होती हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो चीज़ें क्या क्या हैं। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप पूरी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको और बहुत जानकारी भी हासिल होगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पर नहीं थी यानी कि भारत में नहीं थी और यहाँ हैं यानी कि सिंगापुर में हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला जो मैं बता रही हूँ आपको, दिवाली। दिवाली अभी होकर गई है और जहाँ हम यहाँ रह रहे हैं सिंगापुर में बहुत सारे इंडियंस रहते हैं तो दिवाली का यहाँ गजेटेड हॉलीडे होता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा क्योंकि हमें भी पता नहीं था और हम बहुत हैरान हुए। जैसे ही हम यहाँ आए तो बसेस पर और बहुत सारी जगह पर हैप्पी दीपावली लिखा था, जिसे देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि दिवाली हम लोगों का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है। तो वो यहाँ भी बहुत अच्छी तरह मनाया गया, लेकिन उसके अगेन यहाँ पर रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सेफ़ रहती है, पोल्यूशन फ्री रहती है। जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर इतनी लंबी हमें लिस्ट दी गई थी। ये स्पेशली फॉर रेजिडेंस के लिए है कि 7 बजे से और 10 बजे तक का टाइम होगा अगर आपको क्रैकर्स चलाने हैं, और वो बहुत कम धुएं वाले होने चाहिए। सिर्फ आधे घंटे का टाइम वहाँ पर आपको रुकना है, जो वेन्यू फिक्स किया गया है आतिशबाजी छुड़ाने के लिए, जिसको हम कहते हैं पटाखे चलाने के लिए, क्योंकि आधे घंटे के बाद हमें वहाँ से हट जाना है ताकि दूसरे लोग उस जगह पर आकर अपने जो भी उन्होंने क्रैकर्स लिए हैं उनको वो जला सकें और मज़े कर सकें। उसके अलावा यहाँ पर बाहर से लोगों को लाना बिल्कुल मना है, इसमें वो सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो अभी मुझे पता लगा कि दिल्ली में भी 8 से और 10 बजे तक का टाइम दिवाली मनाने के लिए, पटाखे छुड़ाने के लिए दिया गया था, जो कि बहुत अच्छा था। तो ये रूल एक यहाँ डिफरेंट है। भारत में तो इस तरह से सबके पास लेटर्स पहुँचाना बहुत मुश्किल है, ये सब चीज़ें यहाँ करना थोड़ा शायद ईजी है। तो चलिए, एक तो ये रूल हो गया और हमने भी यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट की है। हमने उस दिन यहाँ पर सिनेमा हॉल में जाकर मूवी देखी, बाहर अपना इंडियन डिनर किया, जो कि यहाँ पर मिलना बहुत मुश्किल है। इंडियन फूड यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जो मेरे जैसे हमारे जैसे स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए और भी टफ है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन चीज़ें रखी साथ में होंगी। उनको हम तो बोलते थे कि भाई ये स्पून आप चेंज कर लीजिए और हमें तब सर्व कीजिए, लेकिन वो इन चीज़ों का रेस्पेक्ट करते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा हमने कुछ शॉपिंग की, अपने घर में पूजा की, अपने ही फूल पत्तों से हमने रंगोली डेकोरेट की। हो सकता है आपको इसका ब्लॉग देखने को मिले तो आप देखते रहिए, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप हमें फॉलो करते रहिए, उसमें भी हम समय समय पर अपनी हर तरह की डेली रूटीन की जानकारी आपके साथ शेयर करते ही रहते हैं। हमें LPG गैस की बड़ी समस्या रहती है हमारे देश में कि LPG सिलेंडर बुक करते हैं, उसके बाद 3 दिन 4 दिन 5 दिन उस जगह के हिसाब से, उन दिनों के हिसाब से कि कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा, उस हिसाब से हमें LPG गैस मिल जाती है। इसीलिए हम सब लोग दो दो सिलेंडर रखते हैं, लेकिन वो चीज़ का यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका इन्होंने निकाला हुआ है कि विद इन 30 मिनट्स आपके पास वो LPG गैस सिलेंडर दे जाएगा, अगर आपके पास उनका फ़ोन नंबर है तो। और वो फ़ोन नंबर वगैरह कैसे मिलता है, LPG गैस यहाँ कैसे मिलता है, वो जब मैं आपको यहाँ हमने घर किस तरह से लिया उस वाले ब्लॉग में जाकर आप देख पाएंगे। तो ये हो गया LPG गैस का पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट मैं बताती हूँ आपको कि जैसे हमारे यहाँ कचरा उठाने के लिए एक वैन इन्होंने चलाई है दिल्ली नगर निगम ने, बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है, लेकिन वो इतनी ज़ोर से सायरन देती हुई आती है, लेकिन उसका एक टाइम फिक्स नहीं है, वो कभी भी आ जाता है, कभी बहुत सुबह आ जाएगा, कभी दिन में आएगा, कभी आएगा ही नहीं, वो तो खैर होता ही है। तो इस तरह से उसकी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कूड़ा गाड़ी यहाँ पर नहीं आती, उसका हॉर्न नहीं बजता है यहाँ पर, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर कचरा उठाने के लिए वो स्वीपर भी आता है 3 पहिए वाली गाड़ी लेकर,
कि भाई वो कहता है भाभी कूड़ा डाल दो, तो वो भी कभी भी आ जाता है। आप बाथरूम में भी हो सकते हो उस समय, आप किचन में कोई सब्जी काट रहे हो, रायता बना रहे हो, आपके हाथ फ्री भी ना हो, लेकिन आपने अगर बाहर पहले से कचरा नहीं रखा, जो कि अच्छा नहीं लगता घर के बाहर ही कचरा रख देना, तो उसको वो कचरा देने भी आपको जाना पड़ेगा। और उसकी वो एनोइंग सी वॉइस, भाभी कचरा दे दो, और उसका वो डोर को नॉक करना या बेल बजाना, तो वो चीज़ यहाँ नहीं होती है। वो भी जब मैं यहाँ का होम टूर आपको कराऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि यहाँ कचरा फेंकने के लिए एक अपने ही फ्लोर पर, जहाँ भी हम रह रहे हैं वहीं पर एक विंडो जैसी बनी है, उसमें से लिफाफा बंद करके डाल देना है और वो कचरा नीचे कहीं स्टोर हो जाता है। उसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पर चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए उसको डिस्पोज ऑफ करने का, जैसे कोई बड़ा आइटम, क्योंकि वो जो विंडो बनी है कचरे वाली, उसका एक खास साइज़ है, बहुत छोटी नहीं है, ठीक साइज़ की है, लेकिन जैसे कोई ग्लास का आइटम टूट गया है या कोई बड़ा आइटम जो कोई दूसरा यूज़ कर सकता है, मुझे यूज़ नहीं करना है, तो उसके लिए एक प्लेस बना होता है हर बिल्डिंग में नीचे, वहाँ पर उस चीज़ को रख दिया जाता है। फ्राइडे से रखना ठीक रहता है, क्योंकि सैटरडे संडे स्वीपर्स उसको ले जाते हैं जो यहाँ के होते हैं। अब वो उसको खुद यूज़ कर सकते हैं वो चाहें तो, उसको फिर आगे जहाँ पर इनका मेन कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पर फेंक सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कचरे का, जिसका मुझे यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा। एटलीस्ट वो एक कूड़े की बाल्टी या डस्टबिन नहीं भी अगर यहाँ रखेंगे ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पॉलीथीन में डालिए और पॉलीथीन को नॉट लगाकर उस विंडो में डाल दीजिए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वरना वो कूड़ा घर में रखने से थोड़े बहुत मच्छर वगैरह तो आते ही हैं। और यहाँ पर भी मौसम ऐसा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली से कोई खास अंतर नहीं है। यहाँ पर भी मौसम गर्मी का उसी तरीके का, लेकिन प्लस पॉइंट कि यहाँ बारिश हो जाती है, तो बारिश होती है तो बैलेंस हो जाता है, मौसम प्लेजेंट भी हो जाता है। अगला, जैसे कि हमारे यहाँ दूध वाला आएगा, अगर हमने दूध फ्रेश लेना लगा रखा है, तो वो आपको दूध देने आएगा घर में। और सब्जी बेचने वाले आते रहते हैं, बर्तन बेचने वाली लेडीज आती हैं जो पुराने कपड़े लेकर और स्टील के बर्तन, कांच के या प्लास्टिक के बर्तन देती हैं। मैं भी लेती हूँ वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन फिर भी उससे डिस्टरबेंस तो होती है। वो चीज़ें यहाँ कुछ भी नहीं हैं, जो चाहिए आप मॉल में जाइए, खरीदिए और यूज़ कीजिए। अगला पॉइंट, पानी की मोटर चलाने का और उसको बंद करने का। पानी की मोटर दिल्ली में चलानी पड़ती है, दिल्ली में और हमारे देश में सभी जगह पानी की मोटर ही इस्तेमाल होती है। और उसको चलाकर उसमें अगर हमने अलार्म फिट कर रखा है, तो वो अलार्म आएगा पानी की मोटर भर गई है, कृपया बंद कर लीजिए। अगर आप उस स्विच के आसपास नहीं हैं, तो वो एक ही वॉल्यूम में बजता रहेगा जब तक कि आप उसको जाकर बंद नहीं करते। वो ऑटोमेटिक नहीं होता है, और उसके अलावा उसकी आवाज़ को हम कम भी नहीं कर सकते, तो वो बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि अगर घर के किसी दूसरे कोने में है उस स्विच से, तो वहाँ तक जाने में वो जितनी बार भी बजेगा बहुत ही ज़्यादा वो एनोइंग वॉइस लगती है। तो वो दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। और अगर वहाँ पर उसको चलाने का टाइम निकल गया, तो पानी नहीं भी आता है, दिल्ली में तो बहुत सारी जगह बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो वाली दिक्कत हमें यहाँ फेस नहीं करनी पड़ रही। यहाँ कभी पानी जाने का हमें महसूस ही नहीं हुआ है, कि कोई भी आप टैप खोलिए किसी भी जगह का और पानी आता रहता है। तो ये मुझे यहाँ की एक अच्छी चीज़ लगी है। पानी के साथ साथ ही बिजली भी उतनी यूज़फुल होती है हमारे लिए। यहाँ बिजली भी नहीं जाती है, बिजली मतलब लाइट, ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमेशा चलती रहती है ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर हर जगह एसीज हैं, तो भी कुछ इन्होंने ऐसा सिस्टम किया हुआ है। वरना हमारे देश में अब लाइट बहुत कम जाती है, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड हो चुका है अब। पहले मुझे याद है दिल्ली में 2-2 घंटे का कट लगता था, 3-3 घंटे का, 1 घंटा तो मामूली होता था, लेकिन अभी दिल्ली में बहुत अच्छा हो गया है। और उसके अलावा इन्वर्टर्स लग गए हैं, तो जैसे ही लाइट जाती है तो वो पता भी नहीं लगता, थोड़ी देर के लिए इन्वर्टर पे आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम, तो लाइट चलती रहती है जिसमें भी हमने उस इन्वर्टर का कनेक्शन लिया हुआ है, तो वो प्रॉब्लम इतनी नहीं होती। लेकिन फिर भी बिजली बिल्कुल भी ना जाए तो और भी मज़ा है। तो वो चीज़ यहाँ पर हमने देखी है कि यहाँ लाइट कभी भी नहीं जाती है। आई होप आपको ये अच्छी लग रही होगी वीडियो। थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर देते हैं। अगला एक और है गाड़ी, कार। कार हम लोग रखते हैं, उसकी
कई चीज़ें भी फेस करते हैं, कार पार्किंग की समस्या को फेस करते हैं, घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती है, दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और लेकिन हमारे यहाँ पर कार खरीदना बहुत ही ज़्यादा आसान है, EMIs पर हम आराम से कितनी भी महंगी से महंगी कार आराम से खरीद सकते हैं, यहाँ पर नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कार खरीदने के लिए आपको एक पहले कार ट्रैश करने के लिए खरीदनी पड़ेगी। उसका शायद कुछ सिस्टम होता हो कि भाई ये फॉर अ ट्रैश हम खरीद रहे हैं, तो सेकेंड हैंड कार, तो पहले एक कार को हमें दिखाना है कि इसको हमने ट्रैश कर दिया, फिर दूसरी कार खरीद सकते हैं। और यहाँ की कारें बहुत ज़्यादा महंगी हैं क्योंकि बहुत एडवांस कारें हैं। और उसके अलावा कार तो खरीद भी लेगा इंसान, लाइसेंस कैसे बनाएगा? यहाँ पर 1 लाख प्लस, कुछ 1.5 लाख या ऐसे, अगर आप ऑनलाइन जाकर सर्च करोगे तो पता लगेगा कि लाइसेंस बनने की फीस है। और वो मुझे लगता है इसीलिए किया गया है कि हर कोई लाइसेंस बनवा ना पाए यहाँ पर, और कम से कम कारें, और बाकी यहाँ बहुत कम कारें हैं, बहुत ज़्यादा कारें नहीं हैं कि जैसे दिल्ली में खचाखच गाड़ियाँ भरी हुई होती हैं, उतना बुरा हाल यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ सिस्टम ही इतना एक्सपेंसिव बना रखा है इन्होंने गाड़ियों का। तो ये गाड़ी वाली समस्या से यहाँ प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर बस और मेट्रो से जाना बहुत आसान है दिल्ली में। अब बस और मेट्रो से जाना सबके लिए इजी नहीं है क्योंकि एक तो वेदर साथ नहीं देता, उसके अलावा वहाँ की पॉपुलेशन, रश इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप बस और मेट्रो में चले भी जाओ तो सीट मिलेगी या नहीं ये कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर पता नहीं क्या बात है, कितना भी टाइम हो और आप कभी भी जा रहे हो आपको सीट ज़रूर मिल जाएगी। और उसके अलावा कोई यहाँ टच नहीं होता, बस में मेट्रो में मजाल है, कोई भी किसी का कपड़ा भी आपस में टच हो जाता हो तो बहुत इजी लगता है बस और मेट्रो में यहाँ पर ट्रेवल करना। हमारे यहाँ पर रश के अलावा क्लाइमेट और साथ में लोगों का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है मेट्रो और बसेस में जाने के लिए, तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर रहने के लिए, इजी लाइफ महसूस करने का, जो कि आराम से कोई भी कर सकता है। मुझे लगता है मैं आम तौर पे जो चीज़ें आपके साथ काफ़ी डिस्कस कर चुकी हूँ, शायद अगर कुछ भूल रही हूँ तो आप मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा, पूछिएगा। और आपको कुछ ऐसी चीज़ें मालूम है सिंगापुर के बारे में या किसी और देश के बारे में तो ज़रूर बताइएगा, वो मैं अपनी अगली वीडियोस में ऐड करूँगी आपके नाम से और लोगों को शेयर करूँगी ताकि हमारे इस चैनल के थ्रू लोग और भी चीज़ें जान पाएँ। अब मैं बताती हूँ आपको कि जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में ऑल्ट्रेशन वाले होते हैं, कपड़े की ऑल्ट्रेशन करने वाले टेलर शॉप्स के बाहर बैठे होते हैं, और शोरूम्स में उनके ऑल्ट्रेशन वाले जिनको मास्टर जी कहते हैं वो अंदर ही कहीं उनका एक छोटा सा रूम बनाया होता है, वहाँ बैठे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ हर चीज़ के लिए है यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो। इनसे अगर बोले भी तो ये ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने यहाँ सिंगापुर में स्पेशली ऑर्चर्ड रोड जो यहाँ का बहुत पॉश एरिया है वहाँ पर मॉल्स में ऑल्ट्रेशन की शॉप्स देखी हैं, उस पर प्रॉपर लिखा है ऑल्ट्रेशन शॉप। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अच्छा कोई भाई मेजर कोई जैकेट या कोई एक्सपेंसिव कपड़ा जो हमको नहीं फेंकना है उसको ऑल्टर कराना हो तो एक यहाँ पर ज़रिया है कि हम करा सकते हैं। और वहीं पर मैंने देखी टेलरिंग शॉप, इसका मतलब कि टेलर भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन जब हम एज अ टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो हमें वो चीज़ें दिखती नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हमारे माइंड में वो चीज़ें उस समय होती नहीं है तो हमें दिखती नहीं है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर टेलर शॉप्स भी हैं, वहीं ऑर्चर्ड रोड पर एक मॉल है उसमें सारी इसी टाइप की शॉप्स हैं। और यहाँ पर एक और अच्छी बात जो मैंने देखी उसको मैं कह सकती हूँ अच्छी बात है, आप भी मेरे साथ कन्विंस होंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे इस पॉइंट के लिए कि हाँ ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है, यहाँ पोस्टरबाजी बिल्कुल नहीं होती। कहीं भी हमारे देश में कोई भी पोस्टर लगा देता है, इवन हमारे देश में कोई वो रास्ता लिखा होता है कि भाई ये रोड इधर से जा रही है या उधर से, उस जगह का नाम लिखा है, पोस्टर वाले उसके ऊपर पोस्टर लगा देते हैं। अरे कोई अनजान आदमी आएगा तो उसको किस तरह से पता लगेगा, तो वो बहुत दिक्कत होती है, वो यहाँ नहीं है। यहाँ एक बहुत छोटा सा स्पेसिफिक एरिया होता है हर एरिया में, वहाँ पर पोस्टर होते हैं, पोस्टर भी नहीं होते, बैनर होता है प्रॉपर, जिस पर कि ज़्यादातर स्कूल की इंफॉर्मेशन देखी है मैंने, और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देखी कि लीडर्स के फ़ोटो लगे हुए हैं, स्कूल कॉलेजों के एडवर्टाइज हुए हैं, ऐसा
ऐसा कुछ नहीं देखा। यहाँ पर बारिश हो रही है, बाप रे, और बहुत ज़्यादा आपको बिजली की आवाज़ आ रही होगी। मैं आपको एक सेकंड के लिए सीन दिखाती हूँ, कितना प्यारा सीन है कि बारिश भी आ रही है और धूप भी निकली हुई है। यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही वेदर रहता है, यहाँ इतनी बारिश होती रहती है, इसीलिए लगता है यहाँ पर डस्ट भी बिल्कुल नहीं है। घर के सारे काम करने के बाद भी हाथों को अलग से मेंटेन करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, और पेड़ पौधे एकदम साफ रहते हैं। वो शायद सब इस बारिश की वजह से ही है। अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ हर बिल्डिंग में हर घर के लिए एक पीओ बॉक्स टाइप का बना होता है, उस पर घर का नंबर होता है, उसकी एक की होती है, जैसे बैंक के लॉकर होते हैं सेम उसी तरह का होता है, लेकिन काफ़ी डीप होता है और थोड़ी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है। तो उसमें ही सारी आपकी जो भी डाक है, लेटर्स हैं और एडवर्टाइज के पैम्फलेट्स हैं, सब उसी के अंदर आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ घरों में वो विजिटिंग कार्ड या फिर पैम्फलेट्स डाल जाते हैं साड़ी सेल के, ट्यूशन सेंटर्स के, वैसा यहाँ पर नहीं है। सब कुछ उस पीओ बॉक्स के अंदर होता है। तो तकरीबन एक दिन छोड़ के उस पीओ बॉक्स को जांचते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए कि उसमें कोई काम की इन्फॉर्मेशन तो नहीं पड़ी हुई है, बैंक की डिटेल्स हो गई, इस तरीके की कोई भी जो भी डाक आती है वो सब वहीं आती है। और घर में इंटरकॉम लगे हुए हैं, तो अगर कोरियर वाला आता है जो कि बड़ा आइटम है, तो वो इंटरकॉम करेगा, परमिशन लेगा, पूछेगा कि भाई घर में कोई है या नहीं, उसके बाद वो घर में देकर जाएगा। और ऑनलाइन शॉपिंग का यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग आजकल हर जगह ही चलती है, हमारे देश में तो बहुत ही ज़्यादा है, उसी तरह से यहाँ पर भी है। ऑनलाइन जैसे ग्रॉसरी मंगाना है या और भी कोई काम है आपको ऑनलाइन का, तो वो भी इसी तरीके से इंटरकॉम से पहले परमिशन लेंगे और उसके बाद। हमने कभी मंगाया नहीं है इसलिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं सिर्फ गेस कर रही हूँ कि वो शायद घर तक आकर देकर जाता है। ये पॉइंट मैं कंफर्मेशन के साथ आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन घर में जो पोस्टमैन आते हैं वो सिस्टम यहाँ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी को न्यूज़पेपर लगाना हो तो यहाँ जाकर मार्केट से ख़रीदा जा सकता है, उसके कुछ मेट्रो स्टेशन की एंट्रेंस पे या फिर कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वहाँ पर वो बैठे होते हैं, हर तरह के न्यूज़पेपर और मैगज़ीन लेकर वहाँ से ख़रीद सकते हैं। अगर घर में लगाना है तो घर में भी लगा सकते हैं, और वो न्यूज़पेपर वाले जो भी होते हैं वो घर के दरवाजे पर वो न्यूज़पेपर रखकर चले जाते हैं। तो न्यूज़पेपर हम अपने घर में आराम से मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के घर के दरवाजे के बाहर न्यूज़पेपर को खुद देखा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो मुझे अपने देश से अलग लगी वो आपके साथ डिस्कस की। मुझे उम्मीद है आपको भी ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी और ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आप यहाँ रहें या वहाँ रहें, लेकिन जानकारी हासिल करते रहना चाहिए कभी भी किसी भी जगह के बारे में। तो अगर जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे वेजिटेबल और यहाँ की फ्रूट्स और यहाँ की और चीज़ें और उनके साथ कुकिंग करके भी आपको दोबारा दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कुकिंग वीडियोस बहुत दिनों से मैंने नहीं डाली हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको कीजिए लाइक, सब्सक्राइब। बाय बाय।